सोलन के व्यवसायी की नई कार एचपी 14V 5623 धूं धूं कर उसके सामने जलती रही और वह हालात के आगे इतना मजबूर था कि वह कुछ न कर सका। यह हादसा तब हुआ जब अपनी कार से करसोग की ओर जा रहा था। उसे पीछे से आ रहे व्यक्ति ने बताया कि उसकी कार से बेहद धुआं निकल रहा है। कार मालिक पलविंदर सिंह ने तुरंत कार रोकी और उसे चेक करने लगा तो अचानक कार ने आग पकड़ ली और कार धूं धूं कर जल उठी। कार चालक ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार ये कार मारुति स्विफ्ट थी जो कुछ समय पहले ही खरीदी थी। गनीमत यह रही कि समय रहते कार मालिक को कार जलने की खबर हो गई और उसे गाड़ी से उतरने का समय मिल गया। अगर इसमें कुछ देर हो जाती तो यह घटना एक बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। कार के जलने से कार में रखा सामान, डेबिट कार्ड और नकदी और जरूरी सामान भी जल गया। अधिक जानकारी देते हुए कार के मैकेनिक संजय कुमार ने बताया कि आजकल गाड़ी जलने की घटनाएं आम हो चली हैं। ये आग ज्यादातर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी है, इसीलिए समय पर गाड़ी की मेंटेनेंस करवा लेनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जैसे ही आग लगे तो एहतियातन कुछ कदम उठाने चाहिए। आग लगते ही बैटरी की वायर खोल दें। आग लगते ही सेंटर लॉकिंग बंद हो जाती है। अगर ऐसा होता है तो शीशे को तोड़कर जल्द गाड़ी से बाहर आ जाना चाहिए। गाड़ी में नुकीली चीज अवश्य रखें ताकि शीशा तोड़ा जा सके। गाड़ी में अग्निशमन यंत्र अवश्य रखें। जैसे चलती हुई गाड़ी में आग लग जाए तो वो वायरिंग शॉर्ट होने से लगती है। उससे सावधानी बरतने के लिए गाड़ी में कोई भी नुकीली चीज या औजार कोई रखें जिससे आप ऐसे वक्त पे अपनी सेफ्टी के लिए आप शीशा तोड़ लें और गाड़ी से बाहर निकल जाएं। इससे आपकी सेफ्टी हो जाएगी और गाड़ी की बैटरी की वायर खोल दें तो वायरिंग में जितनी भी गाड़ी में आग लग रही होगी वो बंद हो जाएगी। वायरिंग जब शॉर्ट होती है तो सेंटर लॉकिंग ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है, तो उसके लिए जब वो लॉक हो जाएगी तो डोर नहीं खुलेगा आपका, और डोर खोलने की आप कोशिश करोगे तब भी नहीं खुलेगा वो। उसके लिए आपको नुकीली चीज़ या कुछ रखना चाहिए हाथ में गाड़ी में जिससे आप शीशा तोड़ें और बाहर निकलें गाड़ी से।